आज से 20 साल पहले यानी 11 मई 1998 का दिन, जगह राजस्थान का पोखरण टेस्ट रेंज। भारत के परमाणु वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहने हुए एक छोटे से आर्मी बंकर में भयंकर गर्मी के बीच पसीने से लथपथ बैठे थे। 43 डिग्री तापमान को भूलते हुए बस एक ही बात का इंतजार था कि कब वो वक्त आएगा जब वर्षों की उनकी साधना पूरी होगी, जब भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में मजबूती के साथ खड़ा होगा। और वो साधना पूरी हुई। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. साल 1998 की गर्मियां भारत के परमाणु वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरी थी। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों से नजरें बचाकर उन्हें अपना परमाणु मिशन पूरा करना था। अमेरिकी सैटेलाइट और CIA लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इतनी सावधानी से अपने मिशन को अंजाम दिया कि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी और सैटेलाइट को ये भनक भी नहीं लग सकी कि भारत में क्या हो रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश में एटमी वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक ऐसा अभियान था जिसने दुनिया को भारत का लोहा मनवाया। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण से ही किया था, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज से 20 साल पहले इसी दिन पोखरण में हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की। ये इतने खुफिया तरीके से किया गया कि पूरी दुनिया में किसी को इसके बारे में किसी प्रकार की इंडिकेशन नहीं मिली। अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स को फूल किया गया, अमेरिकन इंटेलिजेंस को फूल किया गया, कंप्लीट रशियन का चाइनीज इंटेलिजेंस फॉर लुकिंग एट इट, सबको फूल किया गया। हिंदुस्तान के अंदर केवल 5 ही लोग थे जिनको इसके बारे में खबर थी, एंड इट वॉज केप्ट सो क्लोज टू द चेस्ट कि जब तक वो एक्सप्लोजन पूरा नहीं हुआ और फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, किसी को नहीं पता लगा कि वास्तव में हुआ क्या है। इस दिन पोखरण में हमारे 5 न्यूक्लियर ब्लास्ट किए गए, जिसमें जो सबसे बड़ा था एक 20 किलोटन का वेपन को, फिर एक थर्मोन्यूक्लियर जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि वो सक्सेसफुल था, कुछ ने कहा कि नहीं है सक्सेसफुल, और 3 जो हैं वो सब किलोटन के, 0.2, 0.3 और 0.5, जो पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है उसी माफिक अपने सब किलोटन वेपन्स को भी टेस्ट किया। ये करने से हिंदुस्तान भी अपने आप को एक किस्म से दुनिया के सामने घोषित कर दिया कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं। और ये बड़ा लाजमी था हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारे नेबरहुड में अनेकों देश थे जो न्यूक्लियर पावर थे। दरअसल 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने परमाणु बम बनाने की क्षमता तो पा ली, लेकिन उसे वास्तविक पहचान पोखरण 2 के परीक्षण के बाद ही मिली। पोखरण 2 के बाद भारत दुनिया में पूर्ण रूप से संपन्न परमाणु देशों की कतार में शामिल हो गया। 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण करने के 2 दिन बाद ही 13 मई को भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु संपन्न शक्ति से लैस देश घोषित कर दिया। साथ ही भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। क्योंकि 1974 में ही हमने किया था, उसको दोबारा से परीक्षण किया, लेकिन वह बम जो था वह अस्त्रीकरण के लिए नहीं था, वह हमारा टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था। हम उसमें जो तकनीकी थी उसका हमने परीक्षण किया था, उसकी अपनी क्षमता का हमने परिचय दिया था और विश्व को बताया भी था, हमने छिपा कर नहीं किया था। 1998 भी हमने फिर बताया कि मिनिएचराइज छोटे बम का भी, हमने 3 ऐसे बमों का भी परीक्षण किया था, तो कुल 5 की संख्या में हमने परीक्षण किए थे।
और 1974 में एक किया था, तो चलते हमारे पास फिजन डिवाइस के दो टेस्ट हुए। मिनिएचराइज्ड जो डिवाइस था, छोटे बम जिसको कहते हैं, 1 किलोटन से भी कम की जिनकी क्षमता सबकी थी, वैसे हमने 3 टेस्ट किए, और जो हाइड्रोजन बम था उसका हमने 1 टेस्ट किया था। अब यह अलग विवाद का विषय है कि हमें और करना चाहिए या नहीं, हम इस पर बहस कर सकते हैं। 1999 के बाद से इस खास दिन यानी 11 मई को भारत में टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को देखते हुए इस दिन का विशेष महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण से न केवल दुनिया भर के देश चौंक गए, बल्कि कई देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी की। हालांकि भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारा परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और हम इसके जरिए नाभिकीय हथियार बनाने का इरादा नहीं रखते। भारत के परमाणु कार्यक्रम की एक लंबी कहानी है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संपन्न देशों ने परमाणु अप्रसार संधि बनाकर विश्व को 2 गुटों में बांट दिया। इसके तहत एक ग्रुप में वैसे देश थे जो परमाणु हथियारों से लैस थे और दूसरे ग्रुप में बिना परमाणु संपन्न देश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संपन्न देशों के भेदभावपूर्ण नीति के बाद भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु संपन्न होने की पहल शुरू की। इसके लिए भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। लेकिन सही मायने में इस दिशा में काम 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से शुरू हुआ। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर भारत की चिंता को और बढ़ा दिया। इसके बाद से लगातार भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने के प्रयास होते रहे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया। बाद के वर्षों में परमाणु कार्यक्रम होमी भाभा से चलकर विक्रम साराभाई से होता हुआ परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना के कुशल नेतृत्व में आ गया और भारत ने 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस अभियान का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराते बुद्ध। नाम चुने जाने के पीछे तर्क ये था कि भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। इस परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी। भारत दुनिया की 5 महाशक्तियों के बाद परमाणु शक्ति बनने वाला पहला देश बन चुका था। पोखरण 1 भी बिल्कुल उसी प्रकार हुआ जैसे पोखरण 2। पोखरण 1 में भी दुनिया को किसी प्रकार की कोई भी भनक नहीं लगी। इट वॉज डन वे बैक इन 1974 और पोखरण 2 जो है उसी जगह के ऊपर, उसी इलाके के अंदर तकरीबन 24 ईयर्स के बाद में दोबारा किया गया। वो 74 में था, दूसरा 1998 में था। दोनों टेस्ट जो है टोटल सक्सेसफुल थे, दोनों में हमको कामयाबी मिली। पोखरण 1 के बाद में हिंदुस्तान ने खुद फैसला कर लिया था कि हम और टेस्ट नहीं करेंगे अनलेस नेसेसरी। पोखरण 2 के बाद में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया था कि हमको और टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, जो हमने टेस्ट करना था कर लिए और बाकी जो टेस्टिंग है वो हम लेबोरेटरी में कंप्यूटराइज मॉडल्स के माध्यम से करेंगे। देखिए, भारत में 11 और मई 13 1998 को परमाणु परीक्षण किया और इस परीक्षण के पश्चात भारत ने अपने आप को एक परमाणु राष्ट्र के रूप में घोषणा कर दी। 1974 में भी एक्सप्लोजन हुआ था, टेस्ट किया गया था, जिसे कभी कभी लोग कैजुअली बुद्धा स्माइलिंग करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं था। वह पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था जो कि उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कानून में जिसकी अनुमति दी गई थी और वह एक, इसे कहते हैं फिजन टेस्ट। जब 1998 में हमने टेस्ट किया तो उसमें हमने कई तरह के टेस्ट किए थे। एक तो हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था हमने, एक जो सामान्य परमाणु परीक्षण होता है, सामान्य अणु बम जिसको कहते हैं परमाणु बम, फिजन डिवाइस, जिसको कि 1974 में ही हमने किया था, उसका दोबारा से परीक्षण किया। लेकिन वह बम जो था वह अस्त्रीकरण के लिए नहीं था, वह हमारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। हम उसमें जो तकनीकी थी उसका हमने परीक्षण किया था। अपने पहले परमाणु परीक्षण के बाद 24 साल तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अन्य कारणों से भारत के परमाणु कार्यक्रम के दिशा में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इस बीच 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत को बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का नारा दिया।
प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही वाजपेयी ने परमाणु वैज्ञानिकों को दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी का निर्देश दिया। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम और राजगोपाल चिदम्बरम इस अभियान के संयोजक बनाए गए। उनके साथ डॉक्टर अनिल काकोदकर समेत 8 वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई। इसके अलावा इस अभियान की तैयारियों में भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर्स रेजिमेंट ने भी काफी मदद की। There is a lot of pressure, geopolitical pressure. But he took a decision. India will go ahead with the test to DRDO team and more importantly, atomic energy team. Okay, these two teams, they were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said, go ahead for the nuclear test. Vajpayee was responsible for transforming India a nuclear weapon state. वैज्ञानिकों की अथक मेहनत और उन्नत तकनीक के कारण अब तक भारत की परमाणु दक्षता काफी उच्च स्तरीय हो चुकी थी। साथ ही दुनिया को ये दिखाने का समय आ चुका था कि वो भारत की ताकत को कमजोर करके नहीं आके। इसलिए इस अभियान का नाम शक्ति रखा गया। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब भारत ने पूरी दुनिया को जता दिया कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस दौरान कुल 5 परमाणु डिवाइस का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण की सफलता के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पूरी टीम को बधाई दी। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। DRDO और DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confer the country with the capability to vacate the nuclear threat. हालांकि भारत की इस सफलता पर फिर से दुनिया के अनेक देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। दुनिया की ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, लेकिन इस परीक्षण से भारत के परमाणु महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। पोखरण में हुए दूसरे परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। अठारह मई 1974 के दिन राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में शामिल हो गया। उस वक्त का परीक्षण भी बेहद गोपनीय था और किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। इंदिरा गांधी ने इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया नाभिकीय परीक्षण बताया और इसके बाद दूसरे परीक्षण को इजाजत नहीं दी। यहां तक कि राजीव गांधी भी परीक्षण कराने से बचते रहे, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार में भी परीक्षण नहीं हो पाया। आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो परीक्षण की इजाजत दे दी गई। लेकिन उस वक्त परमाणु अप्रसार को लेकर दुनिया भर के देश भारत पर दबाव बना रहे थे। कहा जाता है कि अमेरिका को परीक्षण की भनक हो भी गई थी और वो लगातार पोखरण टेस्ट रेंज और दूसरी जगहों पर भारतीय सेना और वैज्ञानिकों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। लेकिन 11 मई 1998 को परीक्षण हो गया। यही नहीं, इसके 2 दिन बाद 13 मई को भी 2 भूमिगत विस्फोट हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परीक्षण के बाद जब दुनिया के सामने इसका खुलासा किया तो उन्होंने परीक्षण के कारण भी बताए। इन बातों को उन्होंने संसद में भी दोहराया। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के अपने पहले कार्यकाल में ही परीक्षण चाहते थे, लेकिन उनकी सरकार नहीं टिक पाई। जानकार बताते हैं कि परीक्षण उस वक्त बेहद जरूरी हो गया था। दरअसल उस दौरान CTBT को लेकर काफी चर्चाएं थी। भारत को तुरंत फैसला लेना था, क्योंकि अगर भारत CTBT पर हस्ताक्षर कर देता तो उसे कभी परीक्षण करने का मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ अगर भारत संधि का हिस्सा बनने से इनकार करता तो उससे पूछा जाता कि वो आखिर क्यों
दुनिया को परमाणु परीक्षण की होड़ से बचाने वाली संधि से पीछे हटना चाहता है। इस तरह भारत को उस दौर का राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो पाता, लेकिन वाजपेयी इस जरूरत को बखूबी समझ गए थे, लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया। ये बड़ा लाजमी था हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारे नेबरहुड में अनेकों देश थे जो न्यूक्लियर पावर थे। आपको याद होगा कि 71 की लड़ाई में अमेरिका की 7th फ्लीट आ चुकी थी बे ऑफ बंगाल में, और अगर इंडियन सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन नहीं की होती तो हेनरी किसिंजर के मेमोरीज में साफ तौर पर लिखा है कि उस समय जो प्रेसिडेंट अमेरिका थे निक्सन, उन्होंने मन बना लिया था टू कैरी आउट न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट कलकत्ता। तो इसके बाद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी इस माफे की कार्रवाई नहीं कर सकता वंस यू अटेन दैट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इसलिए हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिन। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह परमाणु परीक्षण के बाद कहा कि भारत ने विश्वसनीय न्यूनतम सुरक्षा उपायों के तहत ये कदम उठाया है। भारत कभी परमाणु अस्त्रों का उपयोग पहले नहीं करेगा। भारत कभी भी गैर परमाणु राष्ट्रों के खिलाफ परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेगा और आने वाले वक्त के लिए परमाणु परीक्षणों पर अस्थायी रोक लगाएगा। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है। पोखरण परमाणु परीक्षण के पीछे एक और बड़ा कारण था पड़ोसियों से मिलती चुनौती। चीन और पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद से ही भारत के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना बेहद जरूरी था। 1964 के बाद से ही चीन ने कई परमाणु परीक्षण कर दिए थे। यही नहीं, भारत के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि चीन की मदद से पाकिस्तान को भी परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से लेकर तमाम वैज्ञानिक, रक्षा विशेषज्ञ और सेना की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तक अपने कार्यकाल की सरकारों को ये बता चुके थे कि परमाणु शक्ति के भय के बिना शत्रु को रोका नहीं जा सकता, लिहाजा परमाणु शक्ति हासिल करना बेहद जरूरी था। इंदिरा गांधी से पहले की सरकारों में भी ये माना जाता रहा कि परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद ही दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को गंभीरता से लेंगी। हमारे प्रधान उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी उद्घोषणा की और उन्होंने कहा था कि भारत अब एक परमाणु राष्ट्र है और यह इस तरह की जो सदस्य जिसे कहते हैं स्टेटस और इस तरह की जो बात है वह कि हम किसी के मोहताज नहीं, कोई हमें परमाणु राष्ट्र कहे या ना कहे, यह विश्व की हकीकत है और विश्व को अब हमें जानना पड़ेगा कि हम इस शस्त्र को रखे हुए हैं और जो हमारे राष्ट्र हैं, दूसरे राष्ट्र हैं जो कि परमाणु बम रखे हुए हैं, हमारे पास भी क्षमता है कि हम उनके किसी भी हिस्से में अगर उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। पोखरण दो परीक्षणों के बाद भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने पड़े। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक, सैन्य और प्रौद्योगिकीय प्रतिबंध लागू कर दिए। यही नहीं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई देशों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए तैयार थे। संसद में उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते नीतियां नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि खतरा आने से पहले ही उसकी तैयारी होनी चाहिए ताकि वो टल जाए। वाजपेयी की आशंका सही साबित हुई। पोखरण दो के कुछ ही दिनों बाद 28 और 30 मई को 1974 में भारत ने जब परमाणु शक्ति हासिल की तो दुनिया की भौहें तन गईं। कहा गया कि परीक्षण 1968 की परमाणु अप्रसार संधि के विरुद्ध है। खुद परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद अमेरिका ने भारत की परमाणु सामग्री और ईंधन सप्लाई पर रोक लगा दी। हालांकि उस वक्त सोवियत रूस ने हमारा साथ दिया। 1974 के परीक्षण के बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया गया, जो भारत के परमाणु परीक्षण के बाद उठाया गया कदम था। इसका मकसद परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करवाकर परमाणु हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और उपकरण और साजो सामान के निर्यात पर रोक लगाना है। चीन इसका 2004 में सदस्य बना। भारत पर CTBT और NPT पर हस्ताक्षर करने का दबाव दिया जाता रहा।
1998 के पोखरण 2 विस्फोट के बाद तो दुनिया का नजरिया काफी सख्त हो गया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत का शांतिप्रिय इतिहास और दुनिया में कायम उसके भरोसे ने अमेरिका समेत तमाम महाशक्तियों का भारत के प्रति नजरिया बदलने में देर नहीं की। पोखरण 2 विस्फोट के बाद जिस अमेरिका ने भारत पर तमाम प्रतिबंध लगाए, उसी अमेरिका ने कुछ ही वर्षों के भीतर भारत को अनौपचारिक तौर पर परमाणु महाशक्ति माना और परमाणु अप्रसार का नारा छोड़ भारत से हाथ मिलाने के लिए आगे भी आया। 2005 में भारत अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई। 2006 तक अमेरिकी कांग्रेस ने कानून में बदलाव करके भारत के लिए सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड का रास्ता साफ कर दिया। सितंबर 2008 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में एनएसजी सदस्यों ने भारत को मौजूदा नियमों से छूट दी। इसके तहत एनपीटी का सदस्य नहीं होने के बावजूद भारत के साथ परमाणु कारोबार में छूट दी गई। इस समय दुनिया में जो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, मेरे ख्याल 7 या 8 है। एक तो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, और जो अनडिक्लेयर्ड हैं नॉर्थ कोरिया है और दूसरा इसराइल है। इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं कम से कम 70 से 80, बट ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। नॉर्थ कोरिया भी एक किस्म से अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, उसने थर्मोन्यूक्लियर किया है, बट अभी तक बाकी देशों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ न्यूक्लियर पावर। देयर इज हिंदुस्तान को वर्चुअली डी फैक्टो रिकग्निशन मिल चुकी है एज अ न्यूक्लियर पावर, और इसकी वजह से जो आपके ऊपर हर प्रकार की सैंक्शन थी, वो हर प्रकार की सैंक्शन हिंदुस्तान के ऊपर से उठ चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर कई प्रकार के शिकंजे कसे जा रहे हैं, बट हिंदुस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी सैंक्शन आज नहीं लगी हुई बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR, वासिनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन चुका है। इसके बाद भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। NSG के लिए अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देशों ने भी भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया है। हालांकि NSG में भारत की आधिकारिक सदस्यता में चीन अभी भी एक बड़ी रुकावट है। वो भारत के साथ पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता देने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक और राजनयिक प्रयासों से दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। भारत को NSG की सदस्यता इसलिए जरूरी है ताकि हम परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्यात करने में सक्षम हो सकें। दरअसल 1948 में हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के 70 साल बाद भी भारत में परमाणु विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 22 परमाणु रिएक्टरों के साथ सिर्फ 6780 मेगावाट तक पहुंच पाई है। NSG की सदस्यता के बाद भारत के लिए ऊर्जा की जरूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल जाने से भारत अपने परमाणु कार्यक्रम से 2030 तक 60,000 से ज्यादा मेगावाट ऊर्जा हासिल कर सकता है। इसके अलावा भारत को अगर सदस्यता मिल जाती है तो भारत का सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि NSG क्लब का गठन उसी के विरोध में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य।